साहब ये थर्ड टेस्टिमोनी है सभे की। सब है, सब है, बात कीजिए। वालेकुम सलाम शाह साहब, आई गॉट 1 lakh rupees एंड आई एम नॉट अर्निंग अ सिंगल पैनी। और लास्ट टाइम जब मैंने आपको कहा कि मेरा लास्ट सोर्स ऑफ इनकम भी चला गया, तो आपने मुझे कहा कोई बात नहीं। और यकीन जाने विद इन वीक आई गॉट 1 lakh rupees घर बैठे हुए। शाह साहब, मैं वैसे तो वो मनी टेस्टिमोनी है, बट डे बाय डे मेरी जो लड्डू डम की टेस्टिमोनीज हैं वो भी इंक्रीज हुई जा रही है। हाँ, बता दो, बता दो, वो भी गुड चीज है। ये बता दो, बता दो। फॉर माय सिस्टर, तो मतलब मैंने अपनी सिस्टर के लिए कुछ मांगा था, और मतलब माशाल्लाह शी इज गोइंग टू मैरिज। एंड द सेकेंड, मैंने बहुत अजीब सी मन्नत मांगी थी, मुझे लग नहीं रहा था वो पूरी होगी। और जब वो पूरी हो गई, तो उसके बाद मैंने सोचा ये तो वो चीज थी जो मैंने लड्डू दम में मांगी थी, तो मैंने कहा वो मैंने तो लड्डू देने हैं इसके। मतलब लाइक हमारे पास ड्राइंग रूम नहीं था घर में, और मैंने ड्राइंग रूम के लिए कुछ मांगा था, और मतलब वो ड्राइंग रूम बन भी गया, पता भी नहीं चला, और किसी को कुछ हुआ भी नहीं फील कि ये कैसे बन। मधोश वाली सरकार है, वो बात करेंगे, वो अपनी टेस्टिमोनी देंगे। मधोश वाली सरकार, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम चंदा, क्या हाल है? आवाज़ सही मदोश लग रहे हो, वैसे ले ठीक हो जी। बोले हाँ शाह साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछला जो मनी दम हुआ है, इससे जो पिछला वाला हुआ है उसमें मुझे तकरीबन 50,000 रिसीव हुए हैं मेरे मामू की तरफ से। मेरा मोबाइल टूटा हुआ था, तो मनी दम वाले दिन बैठा हूँ मैं, उससे अगले दिन ही मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया। वाइटामिन डी वाली बाजी अनम्यूट करके बात कीजिए। वाइटामिन डी। जी शाह साहब, टेस्टिमोनी है एक, लास्ट टाइम में आपने कहा था कि मैं लोगों के कंटेनर फिंकवाऊंगा। हाँ, तो वो भाई को निकल मुझे बताया कि उसने 5 कंटेनर उसके बुक हुए हैं चाइना से ना, माशाल्लाह। और तीसरा जो साथ साथ प्रॉपर्टी का भी वो मेरे मियाँ करते हैं, तो उसकी भी कॉलें इतनी आती हैं कि उनसे सोया नहीं जाता। सर, जो आपने मनी दम, पहला मनी दम, इस सीरीज का पहला मनी दम किया था, तो उसमें मुझे 20,000 रुपीज मिले थे एज अ गिफ्ट। और सर, सिंस वी हैव स्टार्टेड मनी दम फ्रॉम आई थिंक फेब्रुअरी, सर तब से लेकर अब तक आई हैव कलेक्टेड, क्या कहना चाहिए, मेरे पास सर कैश 2.5 से 3 लाख रुपए आया। पैसे बहुत आए सर, मेरे 2 प्राइस बॉन्ड निकले, एक 96,000 का और एक 25,000 का, नजर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे हस्बैंड तो ऐसा था कि जॉब उनकी रहती कभी नहीं रहती, मेरा अकाउंट हमेशा खाली रहता था, लेकिन जब से मैंने ये प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन किया है, तब से मेरा अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह पैसे अभी रहते हैं। कितने रहते हैं? 50,000 तक तो मेरे रहते हैं, 50,000 तक तो रहते हैं। क्या बात, 50,000 ये मेरा बैलेंस है। पहले मेरा 10,000, 2,000, 5,000 ऐसा रहता था। चैट नेम क्या है आपका? चैट नेम क्या है आपका? सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच वाली बाजी। टेस्टिमनी है कि शाह साहब की सरदर सर जो है हमारे घर में, उसके सामने हमारे अम्मी ने खड़ के उसके दुआ की थी, शाह साहब ऐसे या अल्लाह एक कपड़ा गुम गया, या अल्लाह ये कपड़ा दिला दे बोल के। तो जिसने चुराया था शाह साहब, उसने खुद बुला के दिखाया, ये देखो इधर है बोल के। क्या बात है यार। और एक चीज़ है शाह साहब, मुझे मेरे भाई के वास्ते उन्होंने दुआ करे थे सरदर सर के सामने, सर टेस्टिमनी है ये भी, ये जिन्नत सतारा ये इसी वक्त दफा हो जाए घर से बोल के दुआ किए थे, तो वो भी इमीडिएट ठीक हो गया था। बोलो चंदा, बोलो। टेस्टिमोनी देनी थी मैंने। बोलो बोलो। सची, जब से ये जो आपने स्टार्ट किया है ना मनी दम, ये जो वीक का आपने स्टार्ट किया, उसके बाद से ये है कि मुझे पॉकेट मनी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब मैं दम पे बैठू, उससे अगले दिन या 1 वीक के बाद मुझे पैसे मिल जाते हैं किसी ना किसी तरह से। टोटल अब तक मुझे 15K मिल चुका है जी। कल पे जाहिद बोले शहजाद भाई, मैंने ना तीसरा मनी दम हुआ ना जब, तो मैंने ना कमेंट बॉक्स में लिखा करती थी दुआ तवज्जो की पोस्ट के, अम्मी मेरे ना उनका कोई सहारा नहीं था, मतलब कि हम 5 बहने हैं, तो हमारा भाई नहीं है, ऐसे ही समझ के भाई नहीं था, बिल्कुल कोई सहारा नहीं था, तो वो बड़ी परेशान रहती थी। तो मैं ना दुआ तवज्जो की पोस्ट पर मैंने डालती रही कि उनको कोई ऐसी मदद हो जाए कि किसी के आगे वो मतलब जाएं भी ना और उनकी मदद भी हो जाए। शहजाद भाई, हमारा ऐसा हुआ कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, 40 साल बाद हमारा भाई मिल गया हमें। और दूसरी टेस्टिमोनी ये है कि मैंने अपने कजन के लिए डाला था कि सेकंड ईयर का रिजल्ट आना है, और उसने वो ना अच्छे A+ ना मार्क्स से ना वो पास हो जाए,
और उसके 1100 में से आए हैं 1K 71 मार्क्स। जबरदस्त। और तीसरी टेस्टिमनी ये है कि मेरी दो सिस्टर थी जिनका ना थोड़ा सा ससुराल में मसला बन रहा था, और मैंने शाह साहब को कॉल की और शाह साहब ने कहा बाजी परेशान नहीं हो। तो शहजाद भाई मैंने अभी बात की है और हफ्ते बाद दोनों के ससुराल ये आए हैं और उनको बकायदा अच्छे तरीके से लेके गए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर में अब थी। अस्सलाम बाजी बोले शाहजी, इस मरीदम के बाद मुझे एक क्लास रिसीव हुआ। मेरे साथ टेस्टिमोनी में है हवा वाली पार्टी सभा, इनके टेस्टिमोनी है। जी बोले। हवा वाली पार्टी सभा बात कीजिए। शाहजी टेस्टिमोनी माशाल्लाह बहुत बढ़िया, घर के हवाले से थी। आपने ज्ञान में कहा था सोचे नहीं बना लें, तो इंतजाम था नहीं, वो घर बनना शुरू हुआ और मनीदम में जब मैं बैठी तो हम उसको सेल करना चाह रहे थे, वो लॉस में जाता लेकिन लॉस में नहीं गया, आधा सेल करा हमने तो वो हमें बेनिफिट दे के गया, फिर वो पैसे आए, फिर वो घर बना और सोचा नहीं था और बहुत एक्सपेंसिव बन गया। कितने का बना है? 60 लाख। रूबिया बाजी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। पिछले लास्ट मनीदम में हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे शाह साहब, और दम के दौरान आपका बयान चल रहा था, बयान के दौरान कॉल आई इनको एक लड़के की कि आपने ऐड लगाया था कि शॉप का सामान है आपके पास, तो इन्होंने कहा जी है मेरे पास। हाँ, और शाह साहब यकीन करें मनीदम ख़त्म हुआ, उस बंदे की दोबारा कॉल आई है, वो 80% सामान हमारे घर से आके ले गया, वो लेने के लिए एक चीज़ आया था लेकिन वो ले के सारा सामान चला गया। 18,000 रुपये मिलते थे, ठीक है, और अब तो जो है ना जो रेगुलर इनकम जो है ना मेरी वो अब क्या कह रहे हैं तकरीबन 50,000 से ऊपर है, ठीक है, और बैंक बैलेंस में इस वक्त तकरीबन 20 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं और मेरा डबल स्टोरी घर भी बन गया यहाँ से। शाह साहब मैं नए वाली बाजी बात कर रही हूँ। हाँ बाजी, एक मिनट एक मिनट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बोले जी बाजी, ये शाह साहब हम केस जीत गए हैं। शाह साहब हम नए वाली वो नए जो इनका केस चल रहा था, ठीक है। अच्छा जी मैं बेहतरी वाली बाजी बात कर रही हूँ। जब से सूफी गाइडेंस चैनल ज्वाइन किया है आप मिले हैं और वजीफे भी कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं मैंने दिल में बस ख्याल था, मैंने मुंह से बोला नहीं अपने फादर को, और उन्होंने मुझे डबल स्टोरी घर भी बना दिया, बैंक में भी मेरे नाम पैसे कर दिए, नीचे वाला पोर्शन मेरा रेंट पे हो गया, वहाँ से भी मुझे आमदन आ रही है। तो कर करा के ना जब मैं सूफी गाइडेंस चैनल ज्वाइन करने से पहले ना मेरी आमदन समझ लें कि 18,000 रुपये थी, वो करते कराते अब जो है ना 40-50,000 के पास है। शाह साहब हमारे घर में इतना रिस्क आपने दिया, इतना दिया कि मेरे घर के दरवाजे तोड़ के आए हैं, ब्रांडेड कपड़े हमने पहने जब से आपसे मिले हैं, और खाना तो इतना आया कि मैंने अपने हाथों से लोगों को दिए। हसन फारूकी साहब बात कीजिए। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम हसन भाई बोल। सर मुझे टेस्टिमोनी देनी थी, लास्ट वीक जो है वो मनीदम में बैठा था, तो उसके बाद जो है वो अगले दिन जो है वो मेरा जो पार्टनर है उसने मुझे बुलाया था और उसने मुझे बताया था कि उन्होंने कहा कि जो है वो मैंने ये की थी आपको बताया नहीं था, और मैंने ये सोचा था कि जब जो काम हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें फिर मुझे जो है वो 5,000 रुपीज जो है वो उन्होंने मुझे दे दिए और उसमें मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा ना मुझे हाथ लाना पड़ा। चाइना वाली बाजी, चाइना वाली सरकार की जो वाइफ है चाइना टाउन, ठीक है बात कीजिए। शाह साहब टेस्टिमोनी देनी थी मैंने आपको। जी बोले। शाह साहब आपको पता है कि 2 साल से ना हमारा कंटेनर फंसा हुआ था और उसका पता भी नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, और जब मेरे हस्बैंड फोन करते थे तो आगे से वो आदमी जवाब नहीं देता था, अगर महीने के बाद फोन उठाता था तो फिर कहता था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, दो दो तीन तीन महीने गुजर जाते थे बताता नहीं था। फिर उस दिन मेरी आपसे बात हुई तो आपको मैंने कहा तो आपने बोला हो जाएगा, तो शाह साहब आप यकीन करेंगे कि आपके कहने की देर थी तो हो गया, अल्लाह वो कंटेनर निकल आया हमारे। शाह साहब ये हैं आमिर साहब यूके से हमारे साथ, आमिर भाई बात कीजिए। दो टेस्टिमनी देनी है। जी जी जी।
एक है कि मैंने अबाउट 6 महीने पहले ना हमारा कुकर खराब हो गया था. मैं इंटरनेट पे देखा, वहाँ पे ब्यूटीफुल कुकर था, ब्रांड न्यू, और अबाउट 1000 pound का वर्थ था, और मैंने बिड किया 350 का. मतलब क्या, मैं बहुत खुश हुआ, बड़ा सिस्टम. और जिस दिन लेके आए ना डिलीवरी करने की, उसके उसके 4 compartments है. बॉटम कंपार्टमेंट में ना राइट हैंड साइड का शीशा टूट गया. मैंने उनको फोन किया, वो कहते हम रिप्लेसमेंट भेज देंगे. हमने 6 महीने वो कुकर इस्तेमाल किया, और आज उनका फोन आया कि भाई हम आपको फुल रिफंड दे रहे हैं, आप कुकर भी रख लो और हम रिफंड दे रहे हैं, हमें शीशा नहीं मिलता. तो मैं शीशा स्क्रैप यार्ड से ले आऊंगा और कुकर हमारे फ्री मिल गया. शिकार वाली बाजी, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया. बोलो. अनएक्सपेक्टेड पैसे मुझे मिले ना, ये मैं बताऊँ आपको कि मैं हैरान रह गई कि कैसे आया उसने मुझे दिए. मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मैं वजीफे के बाद दुआ भी कर रही थी और अल्लाह से जाहिर है फरियाद भी कर रही थी, और आपसे बस चाह रही थी किस तरह से रابطہ हो और बताऊं कि ये मुश्किल है ना शादी. लेकिन बड़ी यानी वजीफे की बरकत और दुआ तवज्जो से आपकी ये काम मेरा हो रहा है. बात कीजिए. अस्सलामुअलैकुम शाह साहब. वालेकुम सलाम. चंदा बोलो. लास्ट मनीदम में बैठा था ना मैं, उसके अगले दिन सैलरी का मेरे को, मैंने जब ऑफिस को ट्राई किया, मेरी पगार नहीं आई है, घर में राशन के लिए पैसे नहीं रहेंगे अगर नहीं आई तो सैलरी, बोल के तड़प रहा था मैं. चाचा वाली बाजी बात कीजिएगा. फरवरी में मेरे बेटे का एग्जाम आया, वो माशाल्लाह आपने पास कराया, फिर अभी जो आपने उसको नौकरी दिलाई है वो खुद भी इतना माशाल्लाह खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकती. 2 अगस्त को आपको मिले थे और 28 को शाजी उसकी जॉब हो गई थी जी. और शाजी फिर मैंने माशाल्लाह जो मेरा अभी उसमें बैरिया टाउन में जो घर कराची में वो भी मिल गया. उसके 2 घंटे के बाद मुझे इमीडिएटली अकाउंट में क्रेडिट, डायरेक्टली क्रेडिट हो गया सैलरी. ऐसा मौजज़ा जैसा हो गया शाह साहब. सही बात, समझ ही नहीं आया कुछ भी. और उसके 1 घंटे के बाद रीइंबर्समेंट अप्रूव हो गया, जो पैसा अटका हुआ था ट्रैवल का. 4 साल पहले हमारे नेबर दरख्त काट रहे थे, उन्होंने मेरी वाइफ की गाड़ी पे दरख्त गिरा दिया. उनके पास थी शोगन, काफी स्ट्रॉन्ग गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल आज सायमा की नई गाड़ी थी. शाह साहब इनको सुखी की बात करवानी है, सुखी की टेस्टिमोनी है. I want to talk to you. From that time you call me, and then to now I finished already 2 my problem finished. I'm very happy for that. Thank you so much. शाह साहब वो मुझे कह रहे हैं कि तुम बताओ, मैं इसकी टेस्टिमनी आपको बताती हूं, उसको एक्सप्लेन नहीं करनी आपको. बोले शाह साहब, इसने ना अपने क्या कहते हैं कस्टमर का माल करवाया था रेडी फैक्ट्री से, तो वो उठा नहीं रहा था. ये कॉल करती थी, उठाता नहीं था, तो इसको फैक्ट्री बहुत ज्यादा तंग कर रही थी. ये जब आपसे बात हुई ना, तो आपने बोला कि आप लीव करो तो ये सब कुछ होता जाएगा. शाह साहब नेक्स्ट है मेंढक वाली बाजी. शाह साहब, मेरे हस्बैंड ना फर्स्ट टाइम मनी दम में बैठे, हम दम से उठे, उसके बाद रात में तकरीबन 2 बजे मैसेज आया है काशिफ को कि आप अपना अकाउंट नंबर भेज दें, और अभी वो पेमेंट आनी भी नहीं थी, अभी उसमें टाइम था. काशिफ मेरी 3 लाख की पेमेंट आ गई. मैंने कहा देखिए सुबह तक देखे क्या होता है. सुबह हुई फिर उनका 2 लाख का काम और था. यकीन करें शाह साहब, इस पूरे हफ्ते में उनका 5 लाख का जो हमने दोनों ने मांगे थे पूरा काम हो गया था. मेरी जो सबसे बिग टेस्टिमनी है शाहजी, मैंने आपको 10 दिन पहले कॉल किया था, बाजी ने कनेक्ट किया था, जहाज वाली ने, बाजी ने, तो उसमें जो है मेरे पैसे आने थे इमरान से. ओके मैंने आपने बोला था कि मैंने वो पहले तो मेरे आपने शूज बिकवा दिए सारे. ओके उसके बाद शूज का जो कलेक्शन है वो आ नहीं रहा था, तो मैं जैसा ही आपसे फोन रखा उसके मेरे ख्याल से 4-5 घंटे बाद ही 2 लाख रुपए मेरे पास आ गए. ठीक है, बुलाकर वो मुझे बुलाकर दे दिया. उसके बाद फिर 4.5 लाख आए, उसके बाद फिर 50,000 आए, फिर आज भी 5 का वादा है उसका. लॉकडाउन ये कोरोना था ना जब ये स्टार्ट हुआ था जब, तो क्या कहते हैं कि मेरे पास उल्टा पैसे जमा हुए थे, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा था. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सेलिंग डॉग्स, क्या हाल है चंदा, ठीक हो? तीशा साहब मैं ठीक हूँ. ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो बोलो. तो मैं जिस दिन बैठी ट्यूसडे के दिन, तो वेनेसडे को मेरे चाचू घर आए हमारे, उनका कुछ सामान पड़ा है, वो वैसे ही लेने के लिए आए थे, कंस्ट्रक्शन का वो काम करते हैं. तो मुझे पैसे चाहिए स्टेटमेंट के लिए, आपको पता है. हाँ, मुझे पता. तो उन्होंने वैसे ही बस उनसे बात की कि इस तरह इसके लिए चाहिए है,
तो मेरे चाचू ने बस वो कह के चले गए कि बस कर दूंगा, जितने भी हुए इसके लिए कर दूंगा। तो फिर उन्होंने मुझे 13 लाख रुपए दे दिए, मतलब वो मेरे अकाउंट में कल तक ट्रांसफर हो जाएंगे। 1.3 मिलियन। अनियन क्या हाल है? ठीक है चंदा? ठीक साहब, वही बात वाली, लास्ट बट नॉट लीस्ट शाह साहब, ये तीसरा मनी दम है ना जो लास्ट हुआ था, तो ये मेरी तीसरी टेस्टिमनी है। yeah. मीन पहली टेस्टिमनी में मुझे 85,000 मिला, दूसरी में 75,000 मिला, और इस वीक में मैं कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ी परेशान थी। तो कल मेरे हस्बैंड को कॉल आई और हमें 50,000 की पेमेंट हुई और बाकी पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह वो लाखों में जाएगी। अनियन बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आज भी है, बोलें अनियन क्या हाल है? ठीक है चंदा? ठीक साहब, वही बात वाली, लास्ट बट नॉट लीस्ट शाह साहब, ये तीसरा मनी दम है ना जो लास्ट हुआ था, तो ये मेरी तीसरी टेस्टिमनी है। yeah. मीन पहली टेस्टिमनी में मुझे 85,000 मिला, दूसरी में 75,000 मिला, और इस वीक में मैं कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ी परेशान थी। तो कल मेरे हस्बैंड को कॉल आई और हमें 50,000 की पेमेंट हुई और बाकी पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह वो लाखों में जाएगी। तो ये 4 दिन पहले ना इसने मुझे बताया कि एक कस्टमर आया और उसने पूरी के पूरा मेरा ना देन पूरा पूरा माल उठा लिया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे 4 साल मेरा हुआ है आपके साथ कनेक्ट होने का, और हर खुशी पाई है, हर चीज पाई है, बिना जॉब के, बिना पैसे के, पता नहीं कि अल्लाह ताला ने कहाँ से दिया है। इतना आया कि फ्रिज में ना फ्रूट रखने की जगह थी और ना गोश्त मुर्गियाँ रखने की जगह थी, और अब भी माशाल्लाह आज भी मेरे घर में इतनी लोग मुबारकों के लिए ला रहे हैं कि मैंने वो बाहर फ्रिजों और फ्रीजों पे रखा हुआ कि मैं सुबह गरीबों में बांटूं। शाह साहब ने ना 12 रबीउल अव्वल को बोला था कि मुझे सिर्फ 2 वीक दे दो। मेरे घर के दरवाजे में ना ये मेरे हस्बैंड ने ना तकरीबन 1 लाख के करीब जो था ना माल, वो बनवाया था किसी कंपनी ने ऑर्डर पे, और वो माल बिक नहीं रहा था। ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, मोटर बाइक का एक पार्ट होता है ब्रैकेट, उसकी बात है ये। 12 रबीउल अव्वल को मेरी शाह साहब से बात हुई थी, तो मैंने शाह साहब को बताया था कि शाह साहब मेरे ना घर में ये ब्रैकेट पड़ी हुई है, तो ये ना बिक नहीं रही, हमारा माल ऑर्डर दिया उन्होंने कैंसिल कर दिया। अभी दूसरा हफ्ता लगा नहीं है शहजाद भाई, तो सारी ब्रैकेट बिक गई है। शाह साहब जी मेरे साथ है कोताही वाली सरकार जी। कोताही बोलो चंदा। अच्छा जी, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, फिर गाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा था, फिर गाड़ी लेना करके सोचना ही छोड़ दिया, क्यों नो करके खामोश रह गया इसे। ठीक है, दम में बैठा करता था, वो तो कंटिन्यू बैठ रहा हूँ। तो अचानक से पैसों का इंतजाम हो गया सर जी। कितना पैसों का इंतजाम हो गया? कितना? 30,000। फिर भाई को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करने पे वो निकल के आने में जाके ले बुकिंग करके आ गए हम लोग। ठीक है, गुड। और गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। न्यूजीलैंड वाली बाजी की, न्यूजीलैंड वाली बाजी अनम्यूट कीजिए। एकदम अनएक्सपेक्टेड हो गया, हम लोग को गाड़ी 0 फाइनेंस पे तो मिली, पर जब हमने हमारे अकाउंट डिटेल सबमिट किए तो मैं तो 0 डॉलर पे थी, मेरे हस्बैंड -$50 पे थे। संडे की बात है, जब मोहम्मद अली को चोट लगी थी बहुत ज्यादा स्वेयर, तो उसका दांत अंदर चला गया, तो मैंने ना शाह साहब को इमरजेंसी में कॉल की थी। तो जब मैं हॉस्पिटल उसको लेकर जा रही थी, अभी जब मैंने शाह साहब को वापस आके कॉल की कि अब मैं मोहम्मद अली की सिचुएशन शाह साहब को बताऊं, तो तब मैंने ये 3 बातें शाह साहब को टू दी पॉइंट की थी कि काम बंद हो गया दोबारा, एक बात, दूसरा बच्चों को खांसी आ रही है और उनकी तबीयतें ठीक नहीं हो रही, 2 बातें, और तीसरी बात मैंने उनको ये बोली थी कि मोहम्मद अली की सर्जरी ना हो, ये 3 बातें, और तीनों सब बस क्लास हो गया। साइलेंट वॉचर वाली सरकार बात कीजिए आप, साइलेंट वॉचर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साइलेंट वॉचर। शाह जी टेस्टिमोनीज तो बहुत सारी हैं, अभी रिसेंटली ये है कि मनी दम में बैठने के बाद मेरे अकाउंट में 1,16,000 रुपये आए, और वो भाई की तरफ से आए, वो भी वो वाला भाई जो अगर मैं फाके भी कर रहा होता था तो वो कहता था तुम जाना तुम्हारा काम जाना, तो उसे खुद बोल के मुझे पैसे भेजे। उससे पहले मेरी बर्थडे थी 12 तारीख को, और 12 तारीख को मुझे 1,000 रुपी आपकी तरफ से रिसीव हुआ उसी दिन, और ये उसी के फौरन बाद का बात है।